ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିସି ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 6ଟି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି 18,000 କୋଟି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଚାଷୀ ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରୁ ସୁବିଧା ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ବିହନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେହିପରି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଋଣ ମିଳିଛି। ଚାଷ ସହ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ମିଳିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। କିଷାନୋ କେ ଜୀବନ ମେ ଖୁସି ୟେ ହମ ସଭି କି ଖୁସି ବଢ଼ା ଦେତି ହେ ଔର ଆଜ କା ଦିବସ ତୋ ବହୁତ ହି ପାବନ ଦିବସ ଭି ହେ। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम शांति और सद्भाव का प्रसार करें। साथियों आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है। आज ही भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। देश के महान कर्मयोगी हमारे प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जन्म जयंती है। उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। साथियों अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया। गीता में कहा गया है स्वय स्वय कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते न रह, यानी जो अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धि मिलती है। अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया। सुशासन को गुड गवर्नेंस को अटल जी ने भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी।